SST, मुझे मेरे टाइम पे सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, कभी समझ नहीं आता था, कभी याद नहीं होता था, कभी मैं हिस्ट्री की डेट्स में कंफ्यूज होता था तो कभी ज्योग्राफी के मैप वगैरह में कंफ्यूज होता था, तो मुझे कभी समझ नहीं आया। बट आखिरी के टाइम पे 15 दिन के अंदर मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करा जिससे कि SST के अंदर मेरे 95% आ गए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। कैसे हैं सभी के सभी? तो देखो, आज का जो टॉपिक है ना वो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया मैथ की स्ट्रेटजी आपने बता दी, मैथ हमारी एक नंबर हो गया है। भैया जब से आपने साइंस पढ़ाना स्टार्ट करा है साइंस भी हमारी एक नंबर हो रखी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है SST की। अब SST का कुछ ऐसा सोल्यूशन बता दो ताकि हमारी SST स्ट्रांग हो जाए। तो देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। मुझे मेरे टाइम पे SST सबसे ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। मुझे भी वही वाली प्रॉब्लम थी जो तुम्हें आज समय कि भैया ज्योग्राफी समझ नहीं आती, हिस्ट्री सबक नहीं आती, सिविक्स वगैरह तो हो जाती है बट हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझ नहीं आती, सबसे बड़ा मेजर इशू ये था। तो मेरे प्री बोर्ड में नंबर भी अच्छे नहीं आए। अब क्या हुआ था कि आखिरी के 15-20 दिन बचे थे तो मैं अपने SST टीचर के पास गया। मेरे स्कूल के जो टीचर थे और वो बहुत ही शानदार टीचर थे और उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है, मुझे बहुत गाइड करा है। तो मैं उनके पास गया एंड उनसे पूछा कि सर देखो यार ये सब प्रॉब्लम चल रही है। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी टेक्निक बताई ना जिस टेक्निक ने पूरी की पूरी मेरी लाइफ पलट दी। एंड वहां से जो अगले 15 दिन थे उसमें मैंने SST को बहुत ध्यान से पढ़ा और जो मेरा फाइनल रिजल्ट था वो था 10 CGPA। उस टाइम पे परसेंटेज नहीं होती थी, CGPA होती थी। तो मेरी SST के अंदर 10 CGPA आई थी जिसको कि हम 95% बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भैया ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बताई थी। एक एक प्रॉब्लम को उठाऊंगा, उनके सोल्यूशन बताऊंगा, आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान से सुनना है, एक नोटबुक पेन लिया हो। बहुत सारे बच्चे जो कि अभी खाना खाते टाइम देख रहे होंगे, अरे मूर्ख क्या कर रहा है तू, खाना खाते मत देख, बहुत कम टाइम बचा है बोर्ड के अंदर, एक नोटबुक पेन लेकर आ और जो मैं समझा रहा हूँ उनको नोट करता रहे। अब देख, सबसे बड़ी बात है सबसे पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। भैया प्रॉब्लम्स क्या हैं SST के अंदर? अगर तुम्हें भी ये प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। सबसे पहले भैया SST बहुत बोरिंग है। भैया ज्योग्राफी के मैप्स बहुत बोरिंग है, हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, भैया कुछ समझ नहीं आता। दूसरा पॉइंट, भैया याद नहीं होती, वो जो लॉन्ग आंसर है ना भैया वो याद ही नहीं होते। आपके साथ भी होता होगा ना कि हिस्ट्री के जब आप प्री बोर्ड आपने अभी दिया होगा तो आपको पता चला होगा कि हिस्ट्री का आपको समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। आपको समझ नहीं आता भैया ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लिया है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हैं। तीसरा पॉइंट, इतने कम टाइम में कैसे होगा, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्यों? यार देखो, अब टाइम इतना कम बचा है ना, हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि हम कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर कर। ठीक है, तो चलो एक एक करके इन तीनों प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। नोटबुक पेन आपकी बिल्कुल हाथ में होने चाहिए और जो जो चीज मैं बताऊंगा उनको नोट करते रहना, वीडियो को स्पीड तेज मत करना, पूरी चीजें ध्यान से समझना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, SST बोरिंग लगती है, भैया क्या सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है? पॉइंट नंबर 1, एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हो। सिंपल सी बात है, एनिमेटेड वीडियोस देखो। एक अगर तुम वो बच्चे हो ना जिसको SST बहुत गंदी लगती है, SST से नफरत है, एनिमेटेड वीडियो देखो मजा आएगा। कहाँ पर देखोगे? YouTube पे। बहुत सारे चैनल है, मैं एक चैनल रिकमेंड कर देता हूँ, पढ़ ले एक चैनल है जो कि आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, SST के एनिमेटेड वीडियोस डाल रखी हैं, सारी एक नंबर है, तो वहां से देख सकते हो। अब देखो, अगर तुम SST से ज्यादा कोई नफरत नहीं है तो तुम नॉर्मल लेक्चर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम पूछोगे कि नॉर्मल लेक्चर भैया किसके देखें, तो बहुत सारे टीचर हैं, बट एक चैनल है सोशल स्कूल करके, उसके आप देख लेना। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। एनिमेटेड देखनी है उन बच्चों को जिनको कुछ नहीं आता, जिनको बहुत गंदी लगती है SST, और नॉर्मल लेक्चर देखने उनको जिनको SST और समझने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हो। अब दूसरा पॉइंट, भैया ये तो ठीक है, अब पढ़ना कैसे? भैया पढ़ना कैसे है वो बताओ। उसका अगला पॉइंट क्या होगा? उसका अगला पॉइंट होगा कि लॉन्ग आंसर्स कैसे याद करने, और जिनके पास कम टाइम है उनके लिए एक आखिरी में एक स्पेशल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं भैया पढ़ना कैसे है। अब ये देखो, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ पढ़ना कैसे है, वो उन लोगों के लिए जिनका अभी 40-50-60% सिलेबस कंप्लीटेड है। अगर तुमने SST अभी तक टच भी नहीं करी है, मतलब इमेजिन करो तुमने 2-3 चैप्टर ही करे हैं या फिर 4-5 चैप्टर ही करे हैं, तो तुम्हारे लिए ये वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। तुम्हारे लिए स्ट्रेटेजी मैं लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से देखना। तुम्हें क्या करना है, पहले लेक्चर देखोगे, लेक्चर कोई भी हो सकता है, एनिमेटेड या फिर नॉर्मल। दूसरा पॉइंट क्या है, रीड NCERT स्मार्टली। भैया NCERT कैसे पढ़े SST की कभी समझ नहीं है। अब देखो, ये NCERT पढ़ने का मेथड क्या है, इस मेथड का नाम है WWH मेथड। ये मैं पूरी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूं इसको, बट फिर से बताऊंगा इन शॉर्ट। एक W का मतलब क्या होता है? एक W का मतलब होता है व्हाट, दूसरे का मतलब होता है why, तीसरे का मतलब होता है how। इसका क्या मतलब है, देखो इमेजिन करो मेरे हाथ में NCERT की किताब है, कोई भी चैप्टर इमेजिन कर लो, नेशनलिज्म इन इंडिया इमेजिन कर लो। उस चैप्टर के अंदर
कुछ 10-12 सब हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होती है ना, एक टॉपिक की सब हेडिंग होती है वो होंगी। तो आपको क्या करना है, हर सब हेडिंग पे एक सवाल खुद से पूछना है, क्या कि वो चीज क्यों हुई, व्हाट, वो है क्या, वो है क्या, वो फिर वो हुई क्यों, व्हाई, व्हाई दिस हैपेंड। इमेजिन करो फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, और तीसरी चीज कैसे हुआ, हाउ। अगर आपने एनसीईआरटी के हर सब टॉपिक पे ये तीन सवाल खुद से पूछ लिए ना, व्हाट, व्हाई, हाउ, और वहां पर लिख लिया, एनसीईआरटी में लिखना देखो कोई गलत बात नहीं है, पेंसिल से लिख लो, पेन से लिख लो, किसी से भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, बट हर सब टॉपिक पे आपको तीन सवाल खुद से पूछना है, व्हाट, व्हाई, हाउ, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो स्मार्ट वे क्या एनसीईआरटी पढ़ने का, ये है। अब देखो अगर आपको इस चीज को पूरी तरीके से समझना है तो एक डिफरेंट वीडियो पे मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करा, लेक्चर, फिर उसके बाद रीड एनसीईआरटी स्मार्टली, तीसरा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर। अब देखो यार आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सैंपल पेपर तो भैया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब देखो इसमें प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया कहां से करें, तो मैं पर्सनली एक बुक रिकमेंड कर देता हूं जो कि बहुत शानदार बुक है, शिवदास पब्लिकेशंस की, जो कि जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और सैंपल पेपर भी मिल जाते हैं। तो देखो जैसे कि मैं तुम्हें बुक दिखा भी देता हूं, ये बुक, ये साइंस की बुक है। अब देखो इसके अंदर तुम्हें पास्ट 7 ईयर के बोर्ड जो पेपर है वो सॉल्व मिल जाएंगे, उसके अलावा चैप्टर वाइज कुछ जो हमारे कॉन्सेप्ट मैप्स होते हैं ना, मतलब एक पेज के अंदर पूरे चैप्टर की समरी वो भी मिल जाएगी, उसके अलावा सैंपल पेपर तो मिल ही जाते हैं। अब यार देखो ये बुक मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं, एक तो आपको दोनों चीजें इसके अंदर मिल जाती हैं, बहुत शानदार है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट उससे ज्यादा आपको पता है आपके प्रशांत भैया या तो आपको हर एक चीज फ्री में देते हैं या तो लोएस्ट प्राइस पे देते हैं, अफोर्डेबल देते हैं। तो एक बार लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, तुम क्लिक करके देखना और प्राइस देखना, और प्राइस देख के तुम शॉक हो जाओगे, इतनी सस्ती भैया, मतलब इतनी सारी चीजें और इतना सस्ता कैसे। तो यही है बस, है ना। तो ऐसी चीजें ही हम आपको रिकमेंड करते हैं जो कि आपका भी बेनिफिट हो इसके अंदर और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो जाए उससे, तो आप ले सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास टाइम, मतलब उनका सिलेबस थोड़ा सा बचा है, टाइम तो ऑलरेडी 1 महीना हमारे पास बचा है, बट जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत खत्म है, इमेजिन करो 60-70% आपका सिलेबस खत्म है, तो आप इस प्रकार से पढ़ोगे। बट अगर आप वो स्टूडेंट हो जो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको कैसे पढ़ना है, आपके लिए मैं एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, ध्यान से देखना। आपके लिए स्ट्रेटेजी है, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल फोकस ओनली ऑन वन लेक्चर, एक लेक्चर पे फोकस करना है। मतलब क्या है भैया, आपको लेक्चर्स पे फोकस करना है, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे बहुत टाइम खराब जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, केवल आपको लेक्चर्स देखने हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, खुद के नोट्स मत बनाओ, किसी और के नोट्स लो, किसी और के नोट्स से फायदा उठाओ। बहुत सारे हैं जिन्होंने आपके शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी के भी जो भी आपको अच्छा लगता है नोट्स वो उठाओ और वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। तो 2 चीजें याद रखना, केवल लेक्चर देखने हैं, किसी और के नोट से रिवीजन करना है, और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही करना है, वो तो मस्ट है, वो कोई नहीं छोड़ेगा, कोई भी बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बिना बोर्ड्स के अंदर 95 नहीं ला सकता, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई कि भैया पढ़ना कैसे है। अब मैं आपको दिखाता हूं अगला पॉइंट, ध्यान से देखना अगला पॉइंट। भैया आपने समझा दिया पढ़ना कैसे, अब ये बताओ आंसर कैसे याद करें। वो जो आप बोल रहे थे ना कि आपके टीचर ने आपको एक ऐसी ट्रिक बताई जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, वो क्या है। अब देखो मेरे टीचर ने मुझे क्या ट्रिक बताई, अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो कोई क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन है, या फिर मतलब हम उठा लेते हैं कोई भी आपका एक चैप्टर है ना इंडियन इकोनॉमी वाला, उसका कोई क्वेश्चन उठा लो, या फिर ज्योग्राफी वगैरह किसी का भी क्वेश्चन उठा लो। अब आपने उस क्वेश्चन को देखा और आपने उसके सोल्यूशन को देखा, आप याद कर रहे हो, इमेजिन करो क्वेश्चन को याद कर रहे हो, तो उसके अंदर ना एक बहुत बड़े पैराग्राफ के अंदर आंसर होगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ होगा। अब आप हो रहे हो कि भैया कैसे याद करें, तो देखो आपको पूरा पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखने की टेक्निक समझो। आपको आंसर को या तो 3 पॉइंट के अंदर लिखना होता है या तो आपको 5 पॉइंट के अंदर लिखना होता है। अगर बड़ा आंसर है, मतलब 5 मार्कर क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट के अंदर, और 3 मार्कर है तो 3 पॉइंट के अंदर। तो हमें क्या करना है, हमें उस आंसर को पॉइंट्स की फॉर्म में याद करना है, और पॉइंट्स भी पूरे याद नहीं करना है, हमें केवल छोटे छोटे कीवर्ड्स याद करना है। जैसे ये देखो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो इसके अंदर ना इसके 3 पॉइंट भी दे रखे हैं, तो इमेजिन करो मुझे इस 3 पॉइंट को याद करना है, तो क्या मैं इस पूरे 3 पॉइंट को याद करूंगा, नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं पहले क्वेश्चन को समझूंगा कि पूछ क्या रहा है, रोल ऑफ क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं इस कीवर्ड को याद करूंगा कि हाँ यार क्रेडिट का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। अब मैं ऑप्शंस को, मतलब अब मैं पॉइंट्स को पढ़ूंगा। पहला पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है हेल्प्स इन इट्स डेवलपमेंट।
मतलब हर एक कंट्री के डेवलपमेंट में काम आ रहा है वो। तो पहला पॉइंट मैं कीवर्ड, केवल कीवर्ड को याद रखूंगा, मुझे पूरा याद नहीं करना है। क्वेश्चन के अंदर जब मैं पेपर एग्जाम के अंदर बैठाऊंगा तो मैं आराम से आंसर को फॉर्म कर सकता हूं अगर मुझे कीवर्ड याद है। और याद रखना, अगर आपको कीवर्ड याद है तो आपका एग्जामिनर भी आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब बस इतने याद रखो, पहला पॉइंट कि अच्छा ठीक है डेवलपमेंट में काम आता है, बाकी आप लिख दोगे। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि अच्छा ये सब है, तो क्या बोल रहा है लास्ट में पढ़ेंगे, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। मतलब क्या कर रहा है, इकोनॉमी को इंक्रीज करने का काम आ रहा है। वापस से एक बार पूरा पॉइंट पढ़ लो, क्रेडिट अवेलेबिलिटी एट द चीपर रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट एनकरेजेस द बिजनेस, बिजनेस बढ़ाने के काम आता है। और क्या होता है ना कि जब मनी को कोई बोरो करता है तो उससे वो बिजनेस इंक्रीज करता है, और जब बिजनेस बढ़ता है तो पूरी कंट्री की ग्रोथ होती है, इकोनॉमी बढ़ती है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम कि भैया प्रोडक्शन इन इकोनॉमी होती है, इंक्रीज करती है क्या प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। तो ऐसे हम पॉइंट्स बना सकते हैं। पहला पॉइंट हमें पता चल गया कि डेवलपमेंट में काम आ रहा है, इकोनॉमी में काम आ रहा है, बिजनेसेस एक दूसरे से पैसा लेते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं। अब जैसे तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट पढ़ लो, इट ऑल्सो नीड्स टू बी मैनिपुलेटेड एंड केप्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड्स बिकॉज द लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स हाई इंटरेस्ट रेट्स। अब इससे क्या मुझे समझ आया, इससे मुझे याद हो गया कि अच्छा भैया ये जो सेक्टर है, मतलब जो मनी क्रेडिट है, वो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत हाई रेट पे दूसरों को मनी क्रेडिट कर रहा है, मनी को लोन में दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मुझे कुछ कीवर्ड्स पता चल गए कि भैया हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव भी होना चाहिए, थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे मुझे तीन पॉइंट मिल गए। अब इन तीन पॉइंट को अगर मुझे याद रखूं मैं तो आराम से मैं आंसर बना के आ सकता हूं। अब क्या जरूरत है इतनी मुश्किल इंग्लिश को याद करने की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, बच्चों को इंग्लिश समझ नहीं आती। इंग्लिश तुम्हें समझनी क्यों है यार, तुम अपनी भाषा में आंसर लिखो ना, तुम इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखो, नंबर नहीं कटेंगे अगर तुमने करेक्ट कीवर्ड को पकड़ा। करेक्ट कीवर्ड को पकड़ो और आंसर लिखो, ठीक है? तो आई होप ये समझ गए होगे कि लॉन्ग आंसर कैसे याद करने हैं। देखो आई नो वीडियो लंबी है, बट ये एक ऐसी वीडियो जिससे कि आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो क्लियर हो जाएगी। अब दूसरा मेथड क्या है, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल तो देखो बहुत सिंपल मेथड है, करना कुछ नहीं है। जैसे ही आपने कीवर्ड्स को याद करा, अब वो कीवर्ड लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होंगे, आपको क्या करना है, आईज क्लोज करनी है और आंखें बंद करके उन कीवर्ड्स को रिकॉल करना है। अच्छा सबसे पहला पॉइंट था ये, फिर दूसरा था ये, फिर तीसरा था ये, फिर चौथा था ये, फिर पांचवा था ये, ऐसे आपको आंख बंद करके रिकॉल करना है जिससे कि आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये तो देखो एक सिंपल सा मेथड है, बट मेजर मेथड है ये, केवल कीवर्ड याद करो, वो लंबे लंबे आंसर याद करने की जरूरत नहीं है। तब आपको समझ आ गया होगा भैया आंसर को याद कैसे करा जाता है। चलिए भैया हमारी एक और प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, अब अगली क्या प्रॉब्लम है? अभी तक कुछ नहीं पड़ा वाली प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। अब देखो सुपर टिप्स की बात कर लेते हैं, अब कुछ सुपर टिप्स। अब देखो हमने कहां कहां की बात कर ली, हमने सबसे पहले ये भी बात कर ली कि भैया एसएसटी को पढ़ना कैसे, लॉन्ग आंसर को कैसे याद करने। अब कुछ ऐसी सुपर टिप्स दूंगा और कुछ ऐसा मटेरियल दूंगा जो कि तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। सबसे पहली चीज भैया, वो जो हिस्ट्री होती है ना, वो ना भैया उसमें डेट्स बहुत सारी हैं भैया, डेट्स याद नहीं होती। तो देखो प्रशांत भैया है ना, तो तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाए। क्या बना कर लाए, ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार चीज बना के लाए तुम्हारे लिए। सरप्राइज है ऑल, क्या ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री। मुझे पता नहीं तुम्हें स्क्रीन पर भी विजिबल होगा या नहीं होगा, बट आपको दिखा देता हूँ। ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री, मतलब चैप्टर वाइज हमने सारी डेट्स को समराइज कर दिया जो भी आपके एनसीईआरटी के अंदर है विद इवेंट। अब देखो वैसे तो बहुत सारी डेट्स हैं, बट सारी आपको याद करने की जरूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आप याद कर सकते हो। एंड देखो पहला चैप्टर राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप, और उसके अलावा नेशनलिज्म इन इंडिया, केवल इन दो की डेट्स याद कर लेना। बाकी चैप्टर की भी हमने इसके अंदर इंक्लूड तो कर ही दिया है, बट आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसके डेट्स वाले सवाल बहुत कम ही आते हैं। तो देखो ये भी पूरा आपके लिए बना दिया है, कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। तो वो जो आपकी समस्या थी ना भैया डेट्स नहीं होती याद, वो कैसे करोगे, यहां से याद करोगे यार। इसका प्रिंट आउट लो, अपने सामने चिपवा लो और डेली याद करते रहो, अच्छा भैया नेशनलिज्म इन यूरोप की ये सारी डेट्स, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है? तो पहली सुपर टिप क्या है भैया, हमें थोड़ा दिमाग से पढ़ना है। दिमाग से कैसे पढ़ेंगे, हिस्ट्री में हम किसका यूज लेंगे, डेट चीट शीट का यूज लेंगे जो कि मैंने आपको दे दिया। पॉइंट नंबर टू देखते हैं, पॉइंट नंबर टू ये है, हिस्ट्री के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक आएगा। जैसे कि मैं बता चुका हूं सीबीएसई ने तो डायरेक्टली क्लियर ही कर दिया है कि एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन तो हम देंगे एमसीक्यू के अंदर, और बाकी अगर तुम स्टेट बोर्ड के हो तो तुम्हारे अंदर भी ये आने वाला है। तो याद करो हिस्ट्री एनसीईआरटी की जितनी भी इमेजेस है ना उनको मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पॉइंट, ज्योग्राफी के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर बहुत ज्यादा आएंगे। और देखो एक मैप वाली भी चीज होती है जो कि बच्चों को डर लगता है भैया मैप के पोर्ट्स याद नहीं होते, तो उस पर टेंशन मत लो, उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा।
जिसके अंदर आपको मैप्स की पूरी डिटेल दे दूंगा, मतलब मैप्स का एक चीट शीट बना दूंगा ताकि आप मैप्स को जल्दी से याद कर पाओ, तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अभी हमारे पास उसके लिए टाइम है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर कैसे याद करने मैंने बता दिया। अब देखो सिविक्स के अंदर क्या करना है, सिविक्स के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो सिविक्स ना सबसे आसान सब्जेक्ट माना जाता है, बट क्योंकि उसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना थोड़ा सा टफ होता है वो, तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना सिविक्स के अंदर तो ढंग से पढ़ना, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, ढंग से पढ़ना, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हो तो आपको पता चल गया होगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आते हैं, तो थोड़ा सा तैयार रहना कि सिविक्स हल्की सी टफर साइड पे होगी, तो केस बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी उसकी प्रिपरेशन कर लेना। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कैसे पढ़ना है, लॉन्ग आंसर कैसे याद करना है, डेट चीट शीट जिसकी आप बात कर रहे थे वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब बताओ और क्या चाहिए यार, वीडियो थोड़ी लंबी है, एंड अगर आप लास्ट तक टिके हो तो एक कमेंट जरूर आज छोड़ के जाना, भैया एसएसटी में फोड़ेंगे। क्या छोड़ना है भैया? एसएसटी में फोड़ेंगे, ये हर एक बच्चा कमेंट करेगा जो कि आखिरी तक टिका है, तो मुझे पता भी चल जाएगा कौन कौन ऐसे हमारे प्यारे बच्चे जो कि आखिरी तक वीडियो को देखते हैं, क्योंकि 90% लोग तो एक दो मिनट देख के चले जाते हैं, है ना, क्योंकि हर कोई थोड़ी ना 95 लाएगा, कुछ ही तो बच्चे लाएंगे। चलिए, तो आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना। टेक केयर एवरीवन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रशांत, और चीट शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरी पीडीएफ की लिंक भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना।